सबसे मेन चीज़ें जिस पे हम फोकस करने वाले इस वीडियो के अंदर वो है कि हम स्टार्ट कैसे करें। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको कंटिन्यूसली करने चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं और वक्त गुजर जाता है। तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहली से पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं, लाइक उस लेवल तक पहुँचने के लिए, उस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए जो आपके अभी माइंड में है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको उसे बनाने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपनी आँखों को, कि आप चीज़ जो चीज़ बनाने वाले हो उसको देखते कैसे हो, उसको अपने दिमाग में उतारते हो कैसे। पहले आप अपने दिमाग में बनाओगे पर फिर पेपर में बनाओगे। तो आई ट्रेनिंग, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी आई ट्रेनिंग। बट जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो है कि आपको सबसे पहले ट्रेन करना पड़ेगा अपने हाथों को, इस चीज़ को जिसे आप ड्रॉ करने वाले हो। हाथों को ट्रेन करने के लिए स्टार्ट करेंगे हम लाइन स्टार, क्योंकि वही बेसिक चीज़ है जो ये हम जिसकी प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। इट्स लाइक के आपने लाइन बनाई, लाइक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन शायद कैसे ऐसी होती है ना, शायद सीधी लाइन बनाई है अपने, चार से पांच नहीं, इट्स लाइक 100 लाइंस बनाई है अपने। अब पहली जो लाइन बनेगी आपसे, हाँ ठीक है, वो अच्छी नहीं बनेगी, इट्स लाइक टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। बट आप जैसे कि आपने 10 लाइन बनाई, 20 लाइन बनाई, बट आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे उसको, आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से लाइन्स बनाना है। और हाँ, लाइन्स बनाते बनाते ये याद रखना कि आप को अपनी कलाई नहीं चलानी, इट्स लाइक ये ऐसे नहीं चलाना, आपको चलाना है, आपको चलाना है अपने एल्बो को, आपको अपने हाथ को स्टेबल रखना है, जैसे आपने पेंसिल पकड़ी बस अपने एल्बो को रोटेट करना है ताकि आप स्ट्रेटली लाइन बना सको और स्ट्रेटली स्ट्रोक्स बना सको। आप चार से पांच लाइन बनाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपने जैसे ही 100 लाइन्स बनाई या फिर अपने 50 लाइन बनाई या फिर आप दिन भर प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की, तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट लाइन आपने बनाई थी और जो लास्ट लाइन आपने जब बनाई है तो उसके अंदर कितना फ़र्क है। बस ऐसी चीज़ों को हमें प्रैक्टिस करना है। इट्स लाइक कि आपने वर्टिकल लाइन बनाई, अब आप किसी ड्राइंग को बनाने वाले हो, उसमें एक स्ट्रोक की ज़रूरत है जो कि वर्टिकली होगा, तो आप एक बार में उसको अच्छे से बना सकते हो। तो कुछ लाइन एक्सरसाइज है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे लाइक सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी एक पर्टिकुलर जो भी चीज़ है स्ट्रोक्स लगाने की उसकी प्रैक्टिस हो जाए, तो हम सर्कल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे वेव्स, हम वेव्स की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो सिंपली, बट हम अब ड्रॉ करेंगे उसे प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लाइक अभी आप सिंपली ड्रॉ कर रहे थे, अब आपको ड्रॉ करना है थिन टू थिक, इट्स लाइक थिक टू थिन और थिन टू थिक, थिक मोटे से पतला, पतले से मोटा। आप जैसे कि स्टार्ट कर रहे हो थिक टू थिन, तो आपको ज़्यादातर प्रेशर लगाना है शुरुआत की तरफ, और उसके बाद जब आप उसको आगे ले जाओगे तो आपको प्रेशर थोड़ा ढीला करना है अपने हाथों को, या फिर आपको लाइट प्रेशर देना है। तो एक तरीका है अपने हाथों को इम्प्रूव करने का और प्रेशर कंट्रोल सीखने का। आप शेडिंग करते हो, आपको एक डार्क एरिया ड्रॉ करना है, फिर डार्क एरिया को क्रिएट करना है, तो आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उसके ऊपर। और अगर आपको किसी लाइट एरिया को ड्रॉ करना है तो आप कम प्रेशर लगाओगे। वही चीज़ आपको लाइन सेट करनी है। इट्स लाइक आपको फिर उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना है लाइटली प्रेशर लगा के, फिर आपको बाद में जाकर उसे डार्क कर देना है हैवी प्रेशर लगा के, टाइट प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लगा के। वही चीज़ है, अब आपको हर शेप्स के अंदर उसको यूज़ करना है। जैसे कि सर्कल बना रहे हो तो लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, प्रेशर कंट्रोल और अपनी पेंसिल कंट्रोल दोनों करना आएगा इस चीज़ से। या फिर आप उस अगर हाँ एक बात है कि आपने इसको ट्रेन कर लिया तो फिर उसके बाद आप अपनी आंखों पे जाओगे, तो आप अगर किसी चीज़ को क्रिएट करने वाले हो तो आप देखोगे जो इम्प्रूवमेंट्स है आपके हाथों के अंदर वो तब नहीं थी जब आपके पास आपने जब उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं की थी, लाइन ट्रेनिंग। तो एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा मैं आई ट्रेनिंग के लिए कि आप इजीली कैसे आई ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर चीज़ों को देखने की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने स्केच बुक में उसका यूज़ कर सकते हो, कि चीज़ों को ड्रॉ करते हो आप अपने आप ही चीज़ें सीख जाओगे। तो आपको ऐसी वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं, जो मैं बना रहा हूँ नहीं बट वीडियोस को देखना मैंने पसंद है, बट वीडियोस देखना मेरी, कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आपको अगर कोई चीज़ और भी पूछनी है तो आप मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टा ID पे, आर्टिस्ट अली शादा के नाम से है। आपको अगर कोई कमीशन वर्क देना है तो आप दे सकते हो, DM कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे ही, मैं कमीशन वर्क भी लेता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना जिसको भी चारकोल के बारे में जानना है, फिर ड्राइंग के बारे में जानना है, फिर मेरे बारे में जानना है, तो शेयर करना बस।